आपको पावर फील हुआ इसका? एकदम रुक गई ना, एकदम रुक गई और एकदम भागी तो पिकअप फील नहीं हुआ? यार हिली भी नहीं, एकदम रुक गई। वेलकम टू समीर फिकेशन, मैं चला रहा हूँ एम जी एस्टर 1.35 मतलब 1350 सीसी है और टर्बो वाला है ये। एक बार आपको गाड़ी बाहर से दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ अभी जो मैं करने वाला हूँ फिर आप वो देखिएगा। बहुत प्यारी लगती है यार ये, मतलब इसका रोड प्रेजेंस इस सेगमेंट के सारी गाड़ियों से मेरे को पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनली बहुत पसंद है। एक तो इसका कलर और ये जो DRL, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट है ना, खैर ये तो मैं रिव्यू में बात करूंगा ही, बट इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप पीछे से देख लीजिए, एस्टर ZS एडास वाली है ये। एक्सेलरेशन रन और ब्रेकिंग कर लेते हैं, साथ में पापा भी हैं, पापा को भी ले आया, घर पे बैठ के बोर हो रहे थे, मैं कहा चलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका, और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है, ऑटोमेटिक है ये और CVT से अलग होती है ये। ये सब बाद में बताऊंगा आपको, अभी इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ AC को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे को। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ़ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हटा देते हैं, और जो गाड़ी है वो अपनी अब आप देख सकते हो चलने लगी है। और ओवरऑल आई होप आपको इसका जो ये है स्पीडोमीटर है, क्लस्टर ये दिख रहा होगा, तभी आपको स्पीड पता चल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर देता हूँ मैं इसका, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़, TCS ऑफ, और अब इसको करेंगे हम लॉन्च। सारे शीशे बंद हैं, सनरूफ बंद है, सामने कोई नहीं है। 1, 9, 3, 2, 1 140 मैंने ब्रेक इसलिए नहीं मारा क्योंकि पापा बैठे थे। मतलब पिकअप आपको फील होता है गाड़ी में, ये जो 1.3 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन 140 PS की पावर बनाता है, 138-137 ब्रेक हॉर्स पावर बोल सकते हो हम आप, और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाते हैं। और टर्बो चार्ज इंजन है, पेट्रोल इंजन आता है इसमें, डीजल ऑफर नहीं करते हैं ये लोग, सिर्फ पेट्रोल आता है और एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड भी आता है। CVT के साथ भी आप इसको ले सकते हो, इस वाले इंजन को नहीं, इसको लेना है आपको तो आपको ये टॉर्क कन्वर्टर लेना पड़ेगा, और ना ही मैनुअल मिलेगा इसमें, मैनुअल आपको 1.5 लीटर के साथ मिलेगा। तो 140 पहुंच गई थी ये, जो टाइम स्टैम्प होगा वो मैं लगा दूंगा चेक करके। आई थिंक इसका जो 0 to 100 टाइम है वो 110 सेकेंड है, तो फास्ट तो है ये गाड़ी, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलाओगे तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। 11-12 कर दी थी मैंने, अगेन 9.5 आ गई है। अब एक हम मारेंगे इस तरफ से और कोशिश करेंगे कि ब्रेकिंग भी कर लें, कस के पकड़ के रखिएगा ठीक। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है अभी भी, 1, 2, 3 ब्रेक दबाया है 120 पे 120 पे डाल के और एकदम ब्रेक दबा दिया, इतना टाइम लगा गाड़ी को रुकने में। अब एक बार ये मैं आपको बाहर से भी करके दिखाऊंगा, जिसके लिए पापा को बाहर भेज के, इसका हैजर्ड लाइट ऑन हो गया इंडिकेट करेगा पीछे की हाँ भाई कुछ इमरजेंसी है, मैनुअली बंद करना पड़ेगा ठीक है चलिए उधर से आते हैं और जो है वो फिर ब्रेकिंग करेंगे और एक बार और एक्सेलरेशन रन मारेंगे। टॉप स्पीड टेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए और वो सेफ नहीं रहता है अगर आप ऐसे पब्लिक रोड पे करोगे। ये भी पब्लिक ही रोड है, लेकिन क्योंकि ये बंद है, सर्विस लेन है, बंद है आगे पीछे से, इस पर कोई आता नहीं है, तो ये इस पर अटेम्प्ट करना ठीक है, लेकिन टॉप स्पीड वगैरह ना, नॉट सेफ थिंग टू डू। आपको पावर फील हुआ इसका? कहता रुक गई ना, एकदम रुक गई और एकदम भागी तो पिकअप फील नहीं हुआ? यार हिली भी नहीं, एकदम रुक गई, एकदम सीधा रुक गई। 120 की स्पीड पे ब्रेक मारा है मैंने, अभी आपको उतार के और तेज करके मारूंगा, अगर बेल्ट नहीं लगाए रहेगा ना बंदा तो आगे निकल जाएगा सीधा तोड़ के, इतना पावर, इतना वो फोर्स लगता है।
तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो आपने रन्स देखे ये नॉर्मल मोड में थे, बेसिकली ड्राइव मोड नहीं आता इसमें, एक नॉर्मल आता है, एक स्पोर्ट आता है। स्पोर्ट के लिए बस आपको इसको राइट शिफ्ट कर देना है और अभी ये ड्राइव पे है और अभी स्पोर्ट मोड लगाना है तो राइट शिफ्ट कर दूंगा, और अगर मेरे को मैनुअली गियर चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये कुछ तो अभी मैंने इसको सिर्फ स्पोर्ट पे लगाया, गियर ये खुद से चेंज करेगी, बस स्पोर्ट मोड लगा दिए और इसमें अटेम्प्ट करते हैं इसको। ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, जब तक इग्निशन बंद नहीं करूँगा मैं, ऑफ ही रहना चाहिए इसको। 3, 2, 1 थोड़ी सी और फास्ट हो गई है अब। क्योंकि और फास्ट हो गई थी। ठीक है, स्पोर्ट मोड पे थी, अब इसको नॉर्मल मोड पे डाल देता हूँ। अब एक बार आपको ये चीज़ बाहर से भी दिखा देता हूँ, पापा को बाहर खड़ा कर देता हूँ कैमरा लेके। यहाँ रखिए, इधर का एरिया हमें नहीं दिखाना है, हमें रोड दिखाना है, बस इतना, बस ऐसे ही रखिएगा, आ रहा हूँ मैं। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है तो, बाप बेटे का। 1, 2, 3 Glad to see you again. पूरा बन जाता हमारा गाइस जी, पूरा मस्त भाग रही है गाड़ी। ये थोड़ी सी यहाँ पे भागी थी गाड़ी इधर उधर, मैंने ब्रेक दबाया तो ऐसे हो गई थी, अब आई डोंट नो वो क्यों हुआ, तो मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा गाड़ी को। चलो इतना मजाक मस्ती ठीक है, और आई होप पापा ने भी ठीक रिकॉर्ड करा हो। टायर की आवाज आई है जलने की, गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी ना, गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। देखो सही आया कि नहीं आया।